तपकेश्वर मंदिर, जहां शिवलिंग पर एक चट्टान से पानी की बूंदें टपकती रहती हैं, यहां भगवान शिव ने दिए थे दर्शन। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड में स्थित भगवान भोलेनाथ के तपकेश्वर मंदिर के बारे में। आइए जानते हैं क्या है इस मंदिर का रहस्य। भोलेनाथ के कई प्राचीन मंदिर हैं जिनका इतिहास महाभारत और रामायण से जुड़ा है। इनमें से एक ऐसा ही भगवान शिव का प्राचीन मंदिर उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है, जिसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। मंदिर का कुछ खास महत्व और रहस्य है। तपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। मान्यता है कि आदिकाल में भोले शंकर ने यहां देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए थे। इस मंदिर की शिवलिंग पर एक चट्टान से पानी की बूंदें टपकती रहती हैं। आइए जानते हैं शंकर भगवान के इस प्राचीन मंदिर का इतिहास। भोलेनाथ को समर्पित यहां गुफा मंदिर है। इसका मुख्य गर्भगृह एक गुफा के अंदर है। इस गुफा में शिवलिंग पर पानी की बूंदें लगातार गिरती रहती हैं। इसी कारण शिवजी के इस मंदिर का नाम तपकेश्वर पड़ा। यह तपकेश्वर मंदिर टोंस नदी के तट पर स्थित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार यह गुफा द्रोणाचार्य का निवास स्थान माना जाता है। इस गुफा में उनके बेटे अश्वत्थामा पैदा हुए थे। बेटे के जन्म के बाद उनकी माँ दूध नहीं पिला पा रही थी। उन्होंने भोलेनाथ से प्रार्थना की, जिसके बाद भगवान शिव ने गुफा की छत पर गौथन बना दिए और दूध की धारा शिवलिंग पर बहने लगी, जिसकी वजह से प्रभु शिव का नाम दूधेश्वर पड़ा। कलयुग के समय में इस धारा ने पानी का रूप ले लिया। इस कारण इस मंदिर को तपकेश्वर कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव तपकेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ दो शिवलिंग हैं। यह दोनों गुफा के अंदर स्वयं प्रकट हुए थे। शिवलिंग को ढकने के लिए 5151 रुद्राक्ष का उपयोग किया गया है। मंदिर के आसपास मां संतोषी की गुफा भी है। यह मंदिर टोंस नदी पर स्थित है। द्वापर युग में यह नदी तमसा नाम से प्रसिद्ध थी। मंदिर परिसर के आसपास कई खूबसूरत झरने हैं। यहां भारी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं। यहां शाम को भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता है। मान्यता है कि इस गुफा में कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य भगवान शिव की तपस्या करने के लिए आए थे। 12 साल तक उन्होंने यहां भोलेनाथ की तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए थे। उनके अनुरोध पर ही भगवान शिव यहां लिंग के रूप में स्थापित हो गए। मान्यता के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य को भगवान शिव ने इसी जगह पर अस्त्र शस्त्र और धनुर्विद्या का ज्ञान दिया था। इसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। यह ऐतिहासिक तपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून से लगभग 6 किलोमीटर दूर गढ़ी कैंट पर स्थित है। सावन के महीने में यहाँ मेला लगता है और दर्शन के लिए लंबी लाइन लगी रहती है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में सावन के महीने में जल चढ़ाने से भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है। तपकेश्वर मंदिर में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं। प्रसिद्ध तपकेश्वर मंदिर का वास्तुकला प्राकृतिक और मानव निर्मित का खूबसूरत संगम है। यह दो पहाड़ियों के बीच में है। शिवलिंग का मुख्य गर्भगृह गुफा के अंदर स्थित है। गुफा का वास्तुकला प्रकृति का अद्भुत नजारा है। उत्तराखंड में पहाड़ की गोद में भगवान तपकेश्वर मंदिर स्वयं शिव जी की महिमा का गुणगान करता है। यह मंदिर तप और भक्ति की गाथा सुनाता है। महादेव की महिमा तपकेश्वर रूप में अपरंपार है। यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से आता है, भगवान शिव उसकी मनोकामना पूरी करते हैं।